सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकाल निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, धुएं, दीप, आटा, कोयला, तेल, दो नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में झिंगूर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो, लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्रों को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इन इत्रों को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा, मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से बंद किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले एक सप्ताह से वह हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती, फिर वह वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, इन सब का सब गलत है। एक सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था, और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वो साधना तो करता लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण
उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि एक सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वह साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे गिरा दिया है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां बिनबिना रही है। वह एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और अब वो जमीन पर जमा खून पर बिनबिना रही थी। यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या। चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून ही निकल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदे टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है। और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन 3रे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कहीं औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कहीं औरतें नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है तो कभी चोरी होगी। और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसका एक एक कश लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में। क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं। कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।